नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूँ आपके साथ गुलिस्ता। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के मिशन 2024 शुरू करते ही अमित शाह ने चौटाला परिवार को लेकर नए सियासी संकेत दिए हैं। शाह ने परिवार को सिरसा में रैली की, जहां उनके टारगेट पर पूर्व कांग्रेस सरकार के सीएम भूपेंद्र हुड्डा ही रहे। सिरसा चौटाला परिवार का सियासी गढ़ गया है और सबकी उम्मीद के उलट शाह ने यहां चौटाला परिवार पर कोई बयान नहीं दिया। आपको बता दें, शाह ने ना तो इनेलो प्रमुख ओपी चौटाला को लेकर कुछ कहा और ना ही राज्य सरकार में गठबंधन की सहयोगी जजपा को। अब यहां तक कि जजपा को तो इस रैली में बुलाया तक नहीं गया। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी चौटाला परिवार से दूरी नहीं रखना चाहती। दल कोई भी हो, जरूरत पड़ने पर बीजेपी सबको साथ जोड़ सकती है। आपको बता दें कि अमित शाह के सियासी दांव के मायने, पहला अजय चौटाला दुष्यंत चौटाला को तरदीज नहीं। दरअसल हरियाणा में बीजेपी जजपा से गठबंधन कर सरकार चला रही है। 41 एमएलए बीजेपी और 10 एमएलए से मिलकर सरकार बनी है और इन दिनों दोनों दलों में चुनाव को लेकर गठबंधन में खटास की चर्चा है। शाह की इस रैली में जजपा का कोई नेता नजर नहीं आया। जजपा प्रमुख अजय चौटाला और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी नहीं दिखे और इससे ये संकेत माना जा रहा है कि बीजेपी चुनाव अकेले ही लड़ सकती है। शाह के कार्यक्रम में पिता पुत्र का जिक्र तक ना होने से ये चर्चा है कि बीजेपी उन्हें बता रही है कि हरियाणा में वो बीजेपी की मजबूरी नहीं है। तो वही दूसरा, जरूरत पड़ी तो इनेलो से परहेज नहीं। शाह ने इनेलो को लेकर कुछ नहीं कहा। ओम प्रकाश चौटाला भी हरियाणा के सीएम रहे, उनके बेटे अभय चौटाला विधायक हैं और इसके बावजूद शाह ने इनेलो पर कोई निशाने नहीं साधे। इससे कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी को जरूरत पड़ी तो जजपा पर निर्भर नहीं रहेगी बल्कि इनेलो से भी परहेज नहीं करेगी। ये इसलिए भी अहम है कि कांग्रेस और इनेलो के बीच गठबंधन को लेकर गई बार सुगबुगाहट हो चुकी है, हालांकि दोनों दल इससे नकार चुके हैं। तो वहीं तीसरा, पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल को याद किया। जिस सिरसा में शाह की रैली थी वहां चौटाला परिवार का गढ़ है। खासतौर पर पूर्व उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी देवीलाल के लिए यहाँ के लोगों के मन में पूरा सम्मान है, इसी वजह से शाह ने उनका जिक्र अपने भाषण में किया। यही नहीं, चौधरी देवीलाल के बेटे रणजीत चौटाला के घर भी गए। रणजीत चौटाला निर्दलीय चुनाव जीते थे और इस वक्त हरियाणा सरकार में बिजली मंत्री है। आपको बता दें कि शाह ने चौधरी देवीलाल को याद कर हरियाणा के लोगों को यह भी संकेत दिया कि वो कभी अपने पुराने सहयोगियों को नहीं भूलते हैं। बीजेपी और चौधरी देवीलाल के परिवार का पुराना रिश्ता है। 1987 के चुनावों में तत्कालीन लोकदल के साथ बीजेपी का गठबंधन रहा और इसके बाद 1999 में बीजेपी का हरियाणा विकास पार्टी के साथ गठबंधन था, मगर बीजेपी ने हवीपा से गठबंधन तोड़ ओपी चौटाला की पार्टी इनेलो से गठबंधन किया, तब ओपी चौटाला मुख्यमंत्री बने। 1999 के लोकसभा चुनाव में इस गठबंधन ने 10 सीटें जीती, हालांकि 2004 में ये गठबंधन टूट गया था। अब ओपी चौटाला के बेटे अजय सिंह और पोते दुष्यंत चौटाला जजपा के रूप में गठबंधन में सहयोगी हैं। बता दें कि मौजूदा वक्त में चौधरी देवीलाल के कुंबे के तीन परिवार बीजेपी के साथ हैं। चौधरी देवीलाल के बेटे रणजीत चौटाला सरकार में निर्दलीय विधायकों के कोटे से मंत्री है। चौधरी देवीलाल के एक बेटे जगदीश चौटाला के बेटे आदित्य चौटाला बीजेपी के जिलाध्यक्ष हैं और हरियाणा कृषि मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन हैं। वहीं एक पड़पौत्र हरियाणा सरकार में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला हैं, जो कि सरकार में सहयोग है। सिर्फ एक विधायक वाली इनेलो ही गठबंधन से बाहर है। बता दें, हरियाणा में चौधरी देवीलाल और बंसीलाल जाट नेता माने जाते हैं। चौधरी देवीलाल के बाद ये पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला को जाट नेता मानने लगे। ये दोनों बड़े नेता बागड़ी बेल्ट के हैं। ओपी चौटाला की सरकार जाने के बाद देशवाली बेल्ट से भूपेंद्र हुड्डा सीएम बने तो जाट समाज ने उन्हें अपना नेता मानना शुरू कर दिया। पूर्व सीएम ओपी चौटाला से धीरे धीरे बांगर और देशवाली बेल्ट के जाटों ने अपनी दूरियां बढ़ा ली। आज हुड्डा का बांगर और देशवाली बेल्ट में खासा प्रभाव है, परंतु पूर्व सीएम ओपी चौटाला का केवल बागड़ी बेल्ट में ही प्रभाव शेष है। बागड़ी बेल्ट में हुड्डा अपना ही वर्चस्व नहीं बना पाए, क्योंकि 10 साल में उनकी सरकार ने उन पर क्षेत्रवाद का आरोप लगता रहा। इसी वजह से शाह ने पूर्व सीएम ओपी चौटाला पर कोई बयानबाजी नहीं की, जबकि हुड्डा का नाम लेकर बार बार क्षेत्रवाद की पुरानी यादें ताजा करते रहे। फिलहाल के लिए इतना ही, जुड़े रहिए इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। धन्यवाद।